सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के चैप्टर वन के बारे में, और खास करके विषय वस्तु होगी आपकी हिंदी। तो हिंदी साहित्य में जब आप द्वितीय वर्ष में पहुँचते हैं, चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं, तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा, हिंदी अनुवाद में आपको क्या पढ़ना होता है, उन चीज़ों पर पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, यानी उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको मैंने आपके चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही अवेलेबल करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका या डाउट क्लियर हो जाए कि भाई हमको क्या क्या पढ़ना है। तमाम प्रकार के प्रश्न जो आपके मन में चल रहे हैं, तो वो सिलेबस आप देख लीजिएगा। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, या आपको बता दूँ कि लगभग जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अधिकतर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अपने नियम कायदे होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस वगैरह चेंज करती है। लेकिन अगर बात की जाए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, सेकेंड की दे चुके हैं, थर्ड की दे चुके हैं, अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में फाइनली पहुँच चुके हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए सेम ही सिलेबस है, आपको हिंदी अनुवाद के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और यही आपको बता दूं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा साथ दिया, सेकंड में दिया, थर्ड में दिया, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ें, और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। ओके, तो आज का जो वीडियो है हमारा, मुख्य रूप से ये अनुवाद से रिलेटेड है, क्योंकि हिंदी अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी अनुवाद में अध्याय वन जो है आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में, अनुवाद के अर्थ, स्वरूप और महत्व को समझना है। तो चैप्टर वन के अंतर्गत हमको क्या समझना है, अनुवाद का क्या अर्थ होता है उसको जानेंगे, अनुवाद का क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्वरूप है, उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में जानने का प्रयास, और फाइनली लास्ट में जाकर के हम चर्चा करेंगे अनुवाद का दैनिक जीवन में, या एक प्रकार से वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से लेकर के और भविष्य तक जो अनुवाद का महत्व रहेगा, उन सभी महत्व पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी कि चैप्टर वन आज के वीडियो के माध्यम से ही समाप्त करने का प्रयास रहेगा हमारा। सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे, फिर विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं। अच्छा, अनुवाद चूंकि किसी एक भाषा में तो हुआ नहीं है, दुनिया की अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो खास करके अगर मैं हिंदी अनुवाद की बात करूँ, तो सबसे पहले अनुवाद की अगर परिभाषा समझनी पड़ेगी हमको। तो अनुवाद की परिभाषा ऐसा नहीं कि भाई हिंदी के विद्वानों ने ही केवल दी है, बल्कि पाश्चात्य विद्वानों ने दी है, संस्कृत के विद्वानों ने भी दी है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का आविर्भाव हुआ है। आपको पता है कि संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी औहट्ट, और उसके बाद में आपको पता होगा औहट्ट वैसे पुरानी हिंदी को भी बोल देते हैं, तो लास्ट में आकर के फाइनली अपनी हिंदी बनी। और हिंदी में भी आपको पता होगा पहले अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा था, धीरे धीरे आकर के और भी अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी जनपदीय भाषा साहित्य के अकॉर्डिंग चल रही थी चीज़ें। लेकिन मुख्य रूप से जो काव्य लिखे गए हिंदी में, वो ब्रज और अवधी में ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे, और धीरे धीरे रूपांतरित होकर के 1850 के बाद, 1857 के बाद से आप देखते हैं आधुनिक युग की जब शुरुआत होती है, उसके बाद से फिर क्या होता है, उसके बाद से फिर एक नई क्रांति हिंदी में आती है, और हिंदी में गद्य विधाओं का प्रकार, मतलब एक प्रकार से प्रकाशन होना प्रारंभ हो जाता है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होना प्रारंभ हो जाता है। और भारतेंदु युग की शुरुआत के बाद में आप देखते हैं, जब उसके बाद में आता है द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का जब संपादन संभालते हैं, तो उसके बाद से हिंदी को एक पारिनिष्ठित और एक संस्कृत निष्ठ तरीके से खड़ी बोली के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित होती है, और जो हिंदी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो खास करके ना केवल हिंदी के विद्वानों के अनुसार हम अनुवाद की परिभाषा को देखेंगे, बल्कि हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद की क्या परिभाषा दी है, अर्थात जो पश्चिम के विद्वान हैं उन विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, इसके अलावा जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार से अनुवाद को परिभाषित किया है। आइए उसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कैसे हेल्पफुल कर सकता है यह वीडियो आज का। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री
और होम साइंस, इकोनॉमिक्स या एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र या कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप लिए हैं, सारे सब्जेक्ट की बोर्ड पर मैं क्लास लेने का प्रयास करूँगा चैप्टर वाइज वीडियो। और ऑब्जेक्टिव टाइप की जिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ अब ऑब्जेक्टिव टाइप की मॉडल पेपर मैंने बना दिया है। मैं कल तक या परसों तक प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की बना दूंगा, आप आसानी से सारी वीडियोज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चले आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अनुवाद बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा अर्थ को देखेंगे, उसके बाद में परिभाषा, फिर स्वरूप, उसके बाद में फिर महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समझे हम सबसे पहले अनुवाद की अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अनुवाद का अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी लोग देखिएगा, अनुवाद का अर्थ अनु प्लस वाद, दो शब्दों से मिलकर के बना अनु प्लस वाद। अच्छा, वाद जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर के, अच्छा शब्द कहना उचित होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए संस्कृत में एक धातु, जैसे हिंदी वगैरह में हम शब्द बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से होता है इसमें, क्या धातु, ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से धातु क्या बनते हैं, शब्द का रूप धारण करते हैं संस्कृत में। तो उसी से चूंकि अनुवाद संस्कृत से ही चली आ रही है और प्राचीन भाषा सबसे ज़्यादा कौन, संस्कृत है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा देपि सुभाषितम। तो उस अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे, उस संस्कृत के शब्दों के द्वारा, धातुओं के द्वारा बने गए जो शब्द है अनुवाद, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिये अनु वद और घन, ठीक है, यहाँ पर घे ऐसे बोलेंगे घे, तो घे वद और अनु ये तीन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पर वर्ण, इनके अकॉर्डिंग बना हुआ है क्या, इससे बना हुआ है अनुवाद। देखिए अनु जो है ये क्या है, अनु किसी भी शब्द में लगता है उपसर्ग, जो किसी शब्द के आगे लग करके उस शब्द की परिभाषा या उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है मेरे भैया, वो होता है उपसर्ग। हिंदी में व्याकरण में उपसर्ग का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसको आप प्रफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, फिर इधर वाले को सफिक्स बोलते प्रत्यय को, तो वो है उपसर्ग। उपसर्ग माने जो कोई शब्द है, ये शब्द है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये कोई मार्कर है, ये शब्द है, इस शब्द के आगे लगा दिया तो ये उपसर्ग हो गया, और अगर इसी के पीछे मैंने कुछ लगा दिया तो ये क्या हो गया, पीछे यानी हरा वाला जो मार्कर है ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, और ये क्या है उपसर्ग है, और ये क्या है धातु है। तो जब संस्कृत के किसी वर्ण में या धातु में हम क्या लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं तो आगे लगेगा अर्थ परिवर्तित होगा, पीछे लगा देंगे क्या प्रत्यय तो भी अर्थ परिवर्तित होगा, और इन्हीं उपसर्ग और प्रत्यय और धातुओं के मिलने से शब्दों की रचना होती है। तो व्युत्पत्ति परक अर्थ की अगर बात की जाए, किसके, अनुवाद के, बहुत ही मैं डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर एग्जामिनर पूछेगा या कुछ भी चीजें होंगी तो आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। अनु, अनु क्या है, उपसर्ग है, किसी भी शब्द में लग सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो आपका है मेरे भैया, वो कौन सा पॉइंट है, वो आपका है वद। वद जो है ये मियन धातु है, धातु माने जैसे हिंदी में अक्षर होता है वैसे संस्कृत में धातु, तो वद धातु में जब हम उपसर्ग लगाते हैं अनु और घे लगाते हैं प्रत्यय तो बनता है अनुवाद। अच्छा यहाँ पर देखिए वद जो शब्द है, वद में जब प्रत्यय लगेगा घे तो क्या बनेगा, वद और घे मिलकर के बनेगा आपका वाद। वाद को बोलते हैं अंग्रेजी में इजम, आई एस एम, जिस शब्द के अंत में लगता है उसको इजम बोलते हैं, जैसे कि सोशलिज्म, ठीक है, या इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की चीजें होती है, तो इजम या वाद जिसको आप बोलते हैं, सूफिज्म, ठीक है, सूफीवाद, तो सूफिज्म हिंदी में आप समझते होंगे। तो वाद माने होता है विचार, या वाद माने क्या होता है, एक प्रकार से विचार आपका, ठीक है, समझ रहे ना, या फिर एक प्रकार देखिए, अच्छा वद धातु का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना, और वाद माने क्या होता है, विचार, जब कोई व्यक्ति कुछ चीज कहेगा तो वह व्यक्ति पर उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, विचार हो जाएगा वह कथन। तो बोलना या कहना वद धातु का मतलब होता है। अच्छा वद धातु से अगर उसमें घे प्रत्यय लगेगा तो बनेगा वाद, वाद माने होता है विचार या विचारधारा। अब बात की जाए अनु, अनु उपसर्ग जिस भी चीज में लगेगा, अनु माने होता है पीछे या बाद में, क्या होता है, पीछे या बाद में, अनुमाने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अनु प्लस वाद कुल मिलाकर के क्या बन गया आपका, अनुवाद। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या हुआ।
व्युत्पत्ति परक अर्थ के बारे में इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अनुवाद का अर्थ यहाँ पर आप देखिएगा क्या निकल करके सामने आ रहा भैया कि इस प्रकार, क्या इस प्रकार अनुवाद का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। क्या है व्युत्पत्ति? व्युत्पत्ति परक का मतलब होता है कि अगर उस शब्द को हम टटोले, उस शब्द कैसे बना, वह शब्द कैसे बना, उसको अनुवाद प्रत्यय और धातुओं में तोड़ करके हम देख ले, संस्कृत के अकॉर्डिंग समझना हो तो उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अनुवाद का व्युत्पत्ति परक अर्थ है क्या? पुनः कथन या किसी कहने के बाद, किसी के कहने के बाद कहना। तो किसी व्यक्ति ने कोई एक चीज कहा है और उसके बाद में उसी भाव को, उसी अर्थ को, उसी शब्द को आप अपने एक प्रकार से बाणी के द्वारा अपनी भाषा में उसको बोले, लेकिन भाव और अर्थ वही रहे, उसकी मूल संवेदना वही रहे, उसका अर्थ, उसकी शैली हो सकता है अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन उसका मूल तथ्य वही होना चाहिए, तो वो चीज़ अनुवाद कहलाती है। ये इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है। इसके अलावा और भी चीज़ों को समझेंगे हम। अच्छा, अब अनुवाद के अर्थ को तो हमने जान लिया। अनुवाद के अर्थ को समझने के बाद में आता है नंबर किस पर? परिभाषा पर। तो परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा जो है अनुवाद के बारे में, देखें दो चीज़ें हैं, दो विद्वान, एक तो भारतीय विद्वान हैं और एक आपके हैं पाश्चात्य विद्वान। तो पाश्चात्य विद्वानों में कई सारे विद्वान हैं और भारतीय विद्वानों में दो विचारधाराएं आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, वो दो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? पहली तो संस्कृत के कुछ विद्वान हैं जो कि अनुवाद की परिभाषा देते हैं, दूसरे वे विद्वान जो कि हिंदी के हैं और अनुवाद की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे भारतीय मत पर। भारतीय मत में दो फाड़ हैं। दो फाड़ मतलब क्या होता है? एक संस्कृत वाले, एक हिंदी वाले। बात करेंगे पाश्चात्य विद्वानों में तो पाश्चात्य विद्वानों को हम सभी को एक साथ ही समझ लेंगे। तो इस प्रकार से इसकी संपूर्ण परिभाषा आपके समझ में आ जाएगी। ओके, आइए चर्चा करते हैं। तो भारतीय मत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारतीय मत दो भागों में, संस्कृत के विद्वानों की अवधारणाएँ और हिंदी के विद्वानों की अवधारणाएँ। और दूसरा मत है पाश्चात्य मत। पाश्चात्य मत में खास करके नाम आता है न्यूयॉर्क महोदय का, बड़े फेमस व्यक्ति हार्टमैन और स्टार्क का नाम आता है, हॉलिडे का नाम आता है, नाइडा और रेवर। नाइडा और रेवर की संयुक्त परिभाषा, जो परिभाषा नाइडा देते वही रेवर की परिभाषा है, दोनों की मिली जुली परिभाषा है। इसी प्रकार से हार्टमैन जो परिभाषा अनुवाद की देते हैं और जो स्टार्क देते हैं, दोनों की मिली जुली परिभाषा, यानी दोनों की सेम ही परिभाषा है, इसीलिए हमने हार्टमैन तथा स्टार्क लिखा है। तो हार्टमैन तथा स्टार्क की परिभाषा, ये एक प्रकार से पाश्चात्य विद्वान है जो कि अनुवाद के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉलिडे, न्यूयॉर्क, नाइडा तथा रेवर और पटनायक, ये सारे विद्वान जो हैं ये अनुवाद की परिभाषा देते हैं पाश्चात्य विद्वानों में। अब हम आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के विद्वानों की अवधारणाओं के बारे में समझते हैं। संस्कृत में अगर बात की जाए, देखें संस्कृत की अगर बात की जाए तो संस्कृत में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो विद्वान आते हैं, संस्कृत में देखें तो विद्वान ने एक रचना है शब्द कल्पद्रुम कोश। शब्द कल्पद्रुम कोश जो रचना है इसमें अनुवाद की परिभाषा को देते हुए क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कुत्सितार्थ, कुत्सितार्थ वाक्यम, कुत्सितार्थ वाक्यम इति शब्द रत्नावली ही पुनरुक्ति ही उक्तस्य पुनः कथनम। इसका मतलब होता है अनुवाद पुनरुक्ति एवं पुनः कथन होता है। अनुवाद क्या होता है? पुनरुक्ति या पुनः कथन होता है। ये किस कोश से परिभाषा ली गई? ये परिभाषा अनुवाद की शब्द कल्पद्रुम कोश में दी गई है। संस्कृत में क्या है परिभाषा इसकी? कुत्सितार्थ वाक्यम इति शब्द रत्नावली ही पुनरुक्ति उक्तस्य पुनः कथनम। समझ रहे हैं ना? ये इसका मतलब होता है कि अनुवाद क्या है? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब होता है पुनर माने दोबारा, उक्ति मतलब होता है कथन, दोबारा कथन या दोबारा से किसी बात को जो पहले से कही जा चुकी है उसको कहना, ये पुनरुक्ति या पुनः कथन। पुनः कथन मतलब दोबारा कहना। कितना सरल है।
समझ में आ रही बातें, तो आपसे लिखित आएगा, आराम से लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि इस मतलब कि ये परिभाषा किस शब्द कल्पद्रुम कोश में है, तो उसका बता देंगे कि भाई ये शब्द कल्पद्रुम कोश में है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का एक मॉडल पेपर मैंने दे भी दिया है, दो वीडियोस हैं उसकी, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आगे समझते हैं, तो ये हो गया आपका क्लियर शब्द कल्पद्रुम कोश। दूसरे जो कोश है उसका नाम है शब्दार्थ चिंतामणि कोश। शब्दार्थ चिंतामणि कोश की अगर बात की जाए महोदय, तो शब्दार्थ चिंतामणि कोश इसमें बड़ी सिंपल सी और बड़ी छोटी परिभाषा, अच्छा संस्कृत के जो विद्वान हैं या जो रचनाएं हमको मिलती हैं उनमें जो अनुवाद के बारे में कहा गया है उससे सीधा सा मतलब अगर लगाएं तो पुनरुक्ति, पुनः कथन या दोबारा कहना, यही अर्थ निकलेगा और यही मतलब निकलेगा अनुवाद का पूरा अगर पढ़ेंगे तो। हालांकि हम समझते हैं, शब्दार्थ चिंतामणि कोश में अनुवाद की परिभाषा को देते हुए ये चंद शब्द लिखे गए हैं। प्राप्तस्य पुनः कथने, प्राप्तस्य पुनः कथने, जो प्राप्त है पहले कहे गए या जो प्राप्त है हमको, जो कथन प्राप्त है उस कथन को दोबारा से कहना, जो चीज़ें प्राप्त हैं, जो लेख प्राप्त हैं उनको दोबारा से लिखना, उनको दोबारा से कहना, वही तो कथन, वही तो अनुवाद होता है। तो शब्दार्थ चिंतामणि कोश में कहा गया कि प्राप्तस्य पुनः कथने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना, फिर से कहना, ये क्या होता है, अनुवाद होता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक करके बिल्कुल चले जाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, इसी प्रकार से आगे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। मॉडल पेपर मैं जल्दी तैयार कर रहा हूँ लिखित वाला, वो भी दे दूँगा। ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा हमारा। आप सभी लोगों का बस साथ चाहिए, इसी प्रकार से अपनी संख्या में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन करते रहें। चलें, तो ये हो गया दो विद्वानों के अनुसार दो चीज़ों, दो पुस्तकों में जो हमको मिली चीज़ें। आगे समझते हैं, जो तीसरी पुस्तक आती है महोदय वो आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, ऋग्वेद आपको पता होगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया, चूँकि वेदों की रचना जो है किसी मनुष्य ने नहीं करी है, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेद चार तीन संख्या में थे, चौथे की रचना बाद में होती है, अथर्ववेद जिसको आप कहते हैं। और वेद एक प्रकार सबसे प्राचीन ग्रंथ, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, वेद ही है। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं आपके। तो उनमें से जो ऋग्वेद है अपना, ऋग्वेद में ही आप देखते हैं गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। गायत्री मंत्र आप सभी लोगों को पता होगा, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र मुख्य रूप से माता गायत्री का तो है, लेकिन ये भगवान सूर्य के तेज को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि गायत्री एक तेजपुंज है और भगवान सूर्य भी तेज के ही देवता हैं। तो कहीं ना कहीं पर भगवान सूर्य के बारे में भी इस मंत्र का उल्लेख आप देख सकते हैं, हालांकि वो अलग की बात है। ऋग्वेद में कहा गया है, अन्वेको वदाति यद्दाति, क्या कहा गया है, अन्वेको वदाति यद्दाति, यानी कि अनुवाद का तात्पर्य पश्चात कथन से, पश्चात माने दोबारा, पश्चात एक चीज कोई कही दी गई बात है उसके पश्चात दोबारा से कोई चीज कही जाए, तो वो होता है ऋग्वेद के अनुसार अनुवाद। मतलब सबका एक ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अनुवाद में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अनुवाद में दो भाषाएं होती हैं, क्योंकि किसी एक भाषा का किसी दूसरे भाषा में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, लिपि अंतरण होता है। ये लिपि लिखी है रोमन में, इसी लिपि को देवनागरी में लिखना क्या है, अनुवाद है। लेकिन क्या हो, उसका भाव वही हो, उसकी शैली वही हो, शैली में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, और मूल तथ्य वही हो। अच्छा, ये दो भाषाएं, जो पहली भाषा है जिसका अनुवाद किया जाना है और जिस भाषा में अनुवाद होना है, इन दोनों भाषाओं को अनुवाद की शैली में या हिंदी साहित्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और उसी नामों को बताने के लिए मैंने बीच में आपको रोका।
वो कौन कौन से नाम हैं इसको थोड़ा सा जानना आपको परम आवश्यक है। पहला नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जो जिस भाषा का अनुवाद होना है, जिस भाषा का अनुवाद होना है उस भाषा को हम क्या बोलेंगे, उस भाषा को बोलेंगे स्रोत भाषा। क्या बोलेंगे भैया? स्रोत भाषा बोलेंगे। और जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा को बोलेंगे लक्ष्य भाषा। ये दो पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए तो अनुवाद चैप्टर आपका एकदम से खलास, खत्म खत्म। दो पॉइंट क्या मैंने बताया, पहली बात अनुवाद में दो भाषाओं में होता, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण होता है, संतरण होता है, तो इन्हीं दोनों भाषाओं को अनुवाद की भाषा में विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप लोग चौंक जाते हैं, लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है, स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना है। अच्छा मान लेते हैं हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में भी करना है, तो हिंदी कौन सी भाषा होगी और अंग्रेजी क्या होगी? प्रश्न तो उठ गया भाई, क्या होगा बताएं? तो हिंदी का करना है भैया किसमें? अंग्रेजी में। तो हिंदी का करना है तो जहां का आ जाए, हिंदी का अनुवाद करना है तो क्या हो गया भाई? स्रोत भाषा। हिंदी क्या हो गई? स्रोत भाषा। किस भाषा में अनुवाद करना है और जहां में आ गया वहीं पर क्या लगा देंगे? लक्ष्य भाषा। क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा गंतव्य है, वो प्रतिपाद्य है, वो उद्देश्य है कि हमको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, उन्हीं भावों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं कथ्य को, उन्हीं चीजों को। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार आपको समझ में आ गया। इसके अलावा बहुत ही धीमा गति से मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अनुवाद के जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें ये चीजों के बारे में लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, और जब ऐसे शब्दों का लगातार प्रयोग होगा तो आप उसमें बहुत ज्यादा विचलित होंगे अपने मार्ग से, और पढ़ाई से मन आपका रुष्ट हो जाएगा, आपको कठिन लगने लगेगा अगले चैप्टर्स। तो इसीलिए मैं पहले चैप्टर में विधिवत तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत कि सर जी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। टाइम ज़्यादा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप को एग्जाम में टाइम का महत्व, एक प्रकार से 3 घंटे में आप जो इतनी सारी बातों को अपने दिमाग में भरेंगे उसको 3 घंटों में कैसे उड़ेलना है और उस समय हमारी कही गई बातें आपको कैसे ध्यान आएंगी, इसलिए मैं आज टाइम ले रहा हूँ। आइए चर्चा करते हैं पाणिनि के बारे में। पाणिनि महोदय आपको पता होगा अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की, बड़ी फेमस पुस्तक है। पाणिनि महोदय एक प्रकार से व्याकरण शास्त्र के भी प्रणेता आचार्य हैं। तो पाणिनि महोदय ने कहा अनुवादे चरणानाम एक चरण से दूसरे चरण में आगे बढ़ना, यानी कि पुनः कथन। पाणिनि से तात्पर्य, पाणिनि का तात्पर्य क्या है अनुवाद से? पुनः कथन, दोबारा कहना। इसके बाद में नाम आता है भर्तृहरि का। भर्तृहरि भी बड़े अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, आपको पता होगा। ये कहते हैं कि आवृत्तिरनुवादोवा यानी कि पुनः कथन, आवृत्ति या दोहराना, पुनः कथन। आवृत्ति माने होता है लगातार, दोहराना माने दोबारा से करना। तो ये चीजें इसका मतलब आवृत्ति अनुसार, मतलब कि आवृत्तिर नुदेवा दोवा, तो नुआ दोवा, तो कहीं ना कहीं पे ये आप समझे जो भर्तृहरि हैं, पाणिनि हैं या अन्य जो ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको संस्कृति बताई, इसका सीधा सा मतलब होता है किसी कथन को दोबारा से कहना। बस आगे बढ़ते हैं हिंदी के विद्वानों के अनुसार। हिंदी के विद्वानों में आपका नाम आता है, देखिए हिंदी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम किसी से छुपा नहीं है। हिंदी में भाषा विज्ञान की अगर बात की जाए तो भोलानाथ तिवारी जी का अगर नाम ना आए तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि वह व्यक्ति भाषा शास्त्र का विद्वान नहीं है और ना वह भाषा शास्त्र के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। भोलानाथ तिवारी की पुस्तक भी है भाषा विज्ञान को लेकर के, बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। तो इन्होंने कहा अनुवाद की परिभाषा को देते हुए कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वन्यात्मक प्रतीक मतलब क्या होता है? जैसे आप ध्वनि, जैसे मैंने बोला आ अ आ इ उ ऊ ए आए ओ औ अं अह कखा 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 ग घ अंगा चा 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 ई ट ठ ढ ण न प फ म, इस प्रकार से मैंने बोला। तो जो
जिस प्रतीक को हम ध्वनि करते हैं आ नाम से, क्या ये आ जो मैंने बनाया, ये आ देवनागरी में तो ये है, देवनागरी में प्रतीक है आ का, और यही रोमन लिपि में अगर लिखे तो ये ए कहा जाता है, ए वहां पर ए इसी को बोलते हैं, ध्वनि है ए, और उसको अंग्रेजी रोमन में ए इस तरीके से सिंबल से लिखते हैं ए, उसको आ लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, इसी चीज को भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीक, ध्वनि ध्वनि आ उसको प्रतीक के रूप में मैंने दिया, ये सिंबल ये प्रतीक आ लिखा, ठीक है। तो भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीक, ध्वन्यात्मक प्रतीक ये आ, आ ये आ मैंने बोला आ ऐसे लिखा जाएगा, आ ऐसे भी तो बन सकता था, क्यों नहीं बना, चूंकि शुरुआत से आ यही बनाया गया तो ये प्रतीक है आ का, तो यही चीज है, यही है ध्वन्यात्मक प्रतीक। ओके बिल्कुल चले, तो भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की क्या है, व्यवस्था है, क्या है व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है ध्वन्यात्मक प्रतीकों की, क्या है ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था, भाषा है, भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का एक सिस्टम है, क्या लैंग्वेज भाषा, समझे। और अनुवाद है, अनुवाद क्या है, देखिए भाषा तो ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, और अनुवाद क्या है, भोलानाथ जी कहते हैं कि अनुवाद इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन है, अगर इन्हीं प्रतीकों को प्रतिस्थापित कर दोबारा से स्थापित कर दी जाए या किसी दूसरे तरीके से लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिखा कि ये आ ये ध्वन्यात्मक प्रतीक देवनागरी का है, और इसी को अगर रोमन लिपि में लिखे, रोमन ध्वन्यात्मक प्रतीकों में लिखे तो क्या हो जाएगा, यही आ का बन जाएगा ए, बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ रहे हैं ना महोदय। देखिए आ ध्वन्यात्मक प्रतीक हिंदी का ये है, अंग्रेजी का ध्वन्यात्मक प्रतीक आ का ये है ए, ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है, तो यही तो बताना चाह रहे हैं भोलानाथ तिवारी कि अनुवाद यही है कि आ का ए हो जाए, ठीक है समझ रहे हैं ना, अनुवाद यही है कि आ का ए हो जाए, क्या कहा, भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, और जो अनुवाद है वो क्या है, इन्हीं प्रतीकों का, इन्हीं प्रतीकों का, कौन से प्रतीकों का, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का, जो व्यवस्था भाषा कहलाती है, अनुवाद जो होता है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन है, दोबारा से स्थापना कर देना है किसी दूसरे लिपि के अंतर्गत, ये लिपि है, समझ में आई बताएं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भोलानाथ तिवारी के अनुसार, आगे बढ़ा जाए, लिखते हुए चलेंगे। आप लोगों की शिकायत रहती कि सर जी नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, मैं इतना आपको समझा देता हूं कि नोट्स की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए आपको, और हमारे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर होते हैं अगर आप उसको देख लेंगे, निश्चित तौर पर आप विश्वास मानिए कि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को 2 से 3 बार देख लिया या मेरे 2-3 मॉडल पेपर देख लिए, कोई माई का लाल आप पैदा नहीं हुआ जो आपको फेल कर सके, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको फेल कर सके। चैलेंज करता हूँ मैं मॉडल पेपर बना दूँ, किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे, सिलेबस आपका लगभग वही अगर है, लगभग होता ही है 90% यूनिवर्सिटीज का सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वही रखा गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिनिमम सिलेबस रखा गया है, तो अगर मॉडल पेपर देख लिया पास ही हो जाना है, कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास, बिल्कुल चले। तो ये भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी, याद नहीं करना है अपन को, हम लोगों को समझना है, कॉन्सेप्ट इज पावर, और पावर जहां है वहीं पर लक्ष्मी रहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कैसे, पावर किसके पास है, ब्रह्मांड के, हिंदू धर्म से समझो, पावर किसके पास है, विष्णु भगवान के पास, क्या भैया पावर है, और लक्ष्मी माता किसके पास है, विष्णु भगवान के पास है। लक्ष्मी किसकी देवी है, रुपये पैसे की देवी है, और पावर के देवता कौन है, विष्णु भगवान। तो पावर अगर है, किसमें पावर है, कॉन्सेप्ट में पावर है, तो मनी रूपी जो ज्ञान है
वो आपके पास रहेगा, चूंकि आपके पास क्या है, सामर्थ्य है, आपके पास पावर है। और पावर किस में, कॉन्सेप्ट में। और कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है, रटा जाता है, समझा जाता है, कॉन्सेप्ट समझा जाता है। तो इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे बढ़ते बिना समय गवाए हुए आगे समझते। दूसरे विद्वान है डॉक्टर रीता रानी पालीवाल, ये भी बड़ी अच्छी भाषा वैज्ञानिक है, डॉक्टर रीता रानी पालीवाल। वो कहती हैं, बड़ी सिंपल सी परिभाषा देती हैं, कहती हैं कि स्रोत भाषा में, मैंने क्या बोला था कि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो इन्हीं शब्द मतलब कि इन्हीं प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपके समझ में ना आए, इसीलिए तो वो विद्वान हैं। अगर ऐसी भाषा का वो प्रयोग ना करें, नॉर्मली भाषा का ही प्रयोग कर दें, तो हम और आप समझ नहीं जाएंगे। इसीलिए वो लोग थोड़ा सा जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा पारनिष्ठित भाषा का प्रयोग करते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, ताकि सामान्य वर्गों के समझ में या सामान्य लोगों के समझ में ना आए। वर्ग कहना उचित नहीं था, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, तो ताकि हम लोगों के समझ में थोड़ा सा ना आ सके। हालांकि उनका यह मंतव्य होता नहीं, लेकिन अगर वो हम लोगों के समझ में सरलता से आ जाए तो फिर हम लोगों का ही इतना माथापच्ची करनी, काहे हम पढ़ा रहे हैं और आप काहे आप पढ़ रहे हैं। अगर किताब पढ़ करके सारी चीज़ें जान जाने तो कोई टीचर की आवश्यकता ही ना पड़े। तो डॉक्टर रीता रानी पालीवाल कहती हैं कि स्रोत भाषा, यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है, उस भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था, प्रतीक व्यवस्था यही प्रतीक आ आ ए ओ ओ या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आर क्यू एस टी जो भी होता है, याद है ए बी सी डी, तीव्र गति से बोला इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ये मत सोचेगा कि सर जी ए बी सी डी नहीं जानते हैं। तो स्रोत भाषा में व्यक्त जो प्रतीक है, स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक जैसे आ ई ऊ है, ठीक है, व्यवस्था को, उसी प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करते करने का कार्य क्या होता है, उसी को अनुवाद कहते हैं। अच्छा, लक्ष्य भाषा क्या होती, मैंने आपको बताया था जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा है, तो उसी की सहज प्रतीक व्यवस्था। सहज प्रतीक व्यवस्था मतलब कि जैसे कि ए बी सी डी, इस प्रकार सहज प्रतीक व्यवस्था, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित, रूपांतरित मतलब ये रूप देखिए ऐसा था इसका ए का, और वही रूप आ का रूप इसमें आकर के ए आ बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य क्या है, वही अनुवाद है। समझ में आई बातें, तो ये हो गया अनुवाद की परिभाषा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो मतलब की, तो इस प्रकार से आपके चीज़ें समझ में आ गई आपको, हिंदी और संस्कृत के विद्वानों के अनुसार जो परिभाषा थी उसको बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी है हिंदी अनुवाद की। तो हिंदी अनुवाद की परिभाषा न्यूयॉर्क महोदय देते हैं। न्यूयॉर्क महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं, ये कहते हैं कि अनुवाद एक निश्चित क्या है, मतलब सॉरी अनुवाद एक क्या है, शिल्प है। शिल्प अनुवाद क्या है, एक शिल्प है। कैसा शिल्प है, ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में जो लिखित संदेश होता है उस लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न जो होता है वो अनुवाद के अंतर्गत किया जाता है, ऐसा बताते हैं न्यूयॉर्क महोदय। न्यूयॉर्क एक शहर भी है अमेरिका का, हालांकि वो ये विद्वान है न्यूयॉर्क, तो किसी शहर ने नहीं कहा है इस परिभाषा को, विद्वान है न्यूयॉर्क महोदय, लिखिएगे लिख लीजिएगा सभी लोग कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है, उसी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। समझ में आ रही चीजें, बिल्कुल, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। अनुवाद क्या है, एक शिल्प है, शिल्प है, और उस शिल्प में क्या किया जाता है, उस शिल्प में एक भाषा में, एक भाषा कोई भी भाषा हो सकती है, तो एक भाषा में जो लिखित संदेश है उसी भाषा मतलब उसी संदेश के स्थान पर क्या करते हैं, किसी दूसरी भाषा का जो लिखित संदेश है या किसी दूसरी भाषा का जो वही संदेश किसी दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न किया जाता है, किसमें किया जाता है, उसी शिल्प में किया जाता है जो कि अनुवाद है। अनुवाद क्या है, एक शिल्प है, मैंने पहले बताया कि अनुवाद एक शिल्प है। न्यूयॉर्क कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक लिखित भाषा का या जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर किसी दूसरी भाषा का उसी के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है उस शिल्प में, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें बताएं, यस नो करके बताइएगा, समझ में आ रही चीज़ें बताओ बाबू, सभी को समझ में आ रहा है, ओके चले आगे बढ़ते हैं।
अगले विद्वान हैं आपके हार्टमन और स्टार्क। हार्टमन और स्टार्क की संयुक्त परिभाषा है, दोनों विद्वान एक जैसी परिभाषा देते हैं। हार्टमन और स्टार्क कहते हैं कि एक भाषा या भाषा भेद, एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद वही चीज है, भाषा ही मतलब भाषा के भेद, कई सारे भेद होते भाषा के, तो उसी चाहे भाषा भेद की बात की, भाषा के प्रकार की बात की, या चाहे उस भाषा की ही बात कर लिया, संपूर्ण भाषा की, तो एक भाषा या भाषा भेद, एक भाषा या भाषा की कोई इकाई, ठीक है, या कोई एक पहलू। तो हार्टमन और स्टार्क महोदय कहते हैं कि एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य शब्द का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य, गंतव्य, एक प्रकार से बोलना उचित ना होगा लेकिन समानार्थी शब्द है। तो प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं या क्या आपको करना है। तो प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। जो हमको मिला हुआ है, जो हमको प्राप्त है, उसका जो प्राप्त है उसको खास करके स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसका परिणाम जो मिलता है हमको, अगर कोई चीज़ हमको मिला है उसको हम परिवर्तित करते हैं, उसके अंदर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो हमको क्या प्राप्त होता है, जो हमको परिणाम मिलता है उसी परिणाम को मेरे भैया हम अनुवाद कहते हैं, ऐसा बताते हैं हार्टमन और स्टार्क महोदय। इसके बाद में नाम आता है नाइडा और रेबर महोदय का। नाइडा और रेबर की भी मिली जुली परिभाषा है, कहते हैं कि मूल भाषा के, ये इनकी परिभाषा क्या है, मूल भाषा के संदेश के समतुल्य, मूल भाषा जो भाषा अनुवाद के लिए दी गई है और जिस भाषा में अनुवाद करना है वो आपकी होती है लक्ष्य भाषा। तो मूल भाषा यानी जो भाषा हमको अनुवाद के लिए मिली हुई है कि जिस भाषा का हमको अनुवाद करना है, तो मूल भाषा के संदेश को यानी जो हमको प्राप्त है उसके संदेश के समतुल्य, समतुल्य माने उसी के जैसा, समतुल्य संदेश की लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। यानी जो भाषा हमको मिली हुई है उस भाषा का, उस भाषा में जो संदेश है उसी समतुल्य संदेश को हम किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो वह अनुवाद कहलाती है, उस क्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये हो गया आपका अनुवाद, तो अनुवाद यही है संदेश। आगे कहते हैं ये नाइडा और रेबर की, संदेशों की या मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से स्वाभाविक एवं निकटतम होती है। यानी पहले तो इसकी मूल्य समता, खास करके संदेशों की जो मूल्य यानी जो चीज़ उस, जो वैल्यू उसमें है उस संदेश की, पहली भाषा में वही जो है परिवर्तित की हुई भाषा में भी वही मूल्य है, वो समता दिखाई पड़ती है, उसमें समानता होती है। यानी कि जो भाषा, जो आपकी मूल भाषा थी उस भाषा में जो चीज़ें थी सेम वही चीज़ें, आपको वही भाव, वही विचार, वही तथ्य आपको उस भाषा में मिले तो उसमें समानता हो, और पहले अर्थ में समानता हो, उसके बाद में फिर शैली की दृष्टि से भी स्वाभाविक और निकटतम होती है, ऐसी क्रिया या ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, अनुवाद कहलाती। तो ये एक प्रकार से अनुवाद है नाइडा और रेबर के अनुसार, ये चीज़ें बताई गई। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। लिख लेंगे कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य, संदेश की लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं, संदेशों की या भाषा पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से स्वाभाविक एवं निकटतम होती है। इसके अलावा और भी विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषा दी है, खास करके उनमें नाम आता है आपके विद्वान हैं पटनायक। पटनायक कहते हैं कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, अर्थपूर्ण जो होता है उसी को सार्थक अनुभव कहते हैं। उसी संदेश या संदेश खास करके अर्थ को, संदेश के अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है, ये पटनायक कहते हैं। जबकि अंग्रेजी भाषाविद हैं एक,
जेसी फेटफर्ड वो कहते हैं कि अनुवाद एक भाषा यानी स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री का दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब है कि वही चीज़ वो भी बता रहे हैं, वही चीज़ वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर इन सभी परिभाषाओं को देखें तो हमारे अंदर यह शैली डेवलप होती है कि भाई जो चीज़ें इन विद्वानों ने बताई हैं उन चीज़ों को अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें हमारी चीज़ आती है। अनुवाद क्या होता है? निकटतम समतुल्य और सहज भाषांतरण होता है, और यथासंभव क्या होता है? समानक भाषांतरण की प्रक्रिया होती है अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अनुवाद जो होता है वो अनुवाद में तीन बातें आती। पहली बात कि भाषांतरण सदैव ऐसा होना चाहिए कि स्रोत भाषा के कथ्य में लक्ष्य भाषा में आने पर ना तो विस्तार हो और ना ही संकोच हो, अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है लेकिन एक प्रकार से मतलब ना संकोच हो या फिर तमाम प्रकार का परिवर्तन भी ज़्यादा आपको दिखाई ना पड़े, मतलब सेम वही चीज़ें भी बताई जा रही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको बताती है, पहली बात। दूसरी बात इसकी ये है मेरे भाई, दूसरी बात ये है कि जब दूसरी बात क्या है कि स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा सामंजस्य हो लक्ष्य भाषा में अनुदित होने पर भी प्रायः दोनों का सामंजस्य वैसा ही हो तो चीज़ें ठीक है। तीसरी बात यह है कि मूल खास करके जो पाठ्य सामग्री है वो भी सेम होनी चाहिए, मूल पाठ्य जो सामग्री है या फिर मूल सामग्री पढ़ करके या सुन करके स्रोत भाषा भाषी जो अर्थ और प्रभाव ग्रहण करता है अगर अनुवाद करने के बाद दूसरी भाषा में वही चीज़ें वो दूसरा पाठक भी एक प्रकार से अनुभव करता है तो अनुवाद सही है। तो अनुवाद यही होता है, कुल मिलाकर के अनुवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? तो अब हम यहाँ तक आपकी अर्थ और परिभाषा हो गई, अनुवाद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा, विशेषताएं भी पूछेंगी तो आप आसानी से बता पाएंगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक बता दी थी। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद के सार्थक स्वरूप के बारे में। अनुवाद के सार्थक स्वरूप यानी कि एक प्रकार से उसका जो अर्थ का स्वरूप है, यानी सार्थक स्वरूप का मतलब क्या होता है? ऐसा स्वरूप जो कि एक प्रकार से उसके लिए उपयोगी हो। तो उसके स्वरूप की संरचना के जो प्रमुख तत्व हैं यानी अनुवाद किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, अनुवाद में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है एक अनुवादक को, तो उन्हीं चीज़ों को उसकी संरचना का मूल तत्व या संरचना का एक प्रकार से मूल प्रमुख तत्व बोला जाता है सार्थक स्वरूप की संरचना का खास करके। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना के प्रमुख तत्व के बारे में। तमाम प्रकार के तत्व होते हैं, आइए इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तत्व आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिएगा, देखेंगे भावों और विचारों की व्याख्या का संतरण। संतरण माने क्या होता है? परिवर्तन। संतरण माने एक रूप से दूसरे रूप में जाना, ठीक है, उसी को संतरण कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण भी उसी अर्थ में हम लेते हैं। ठीक है, चाहे आप बात की है संतरण की तो संतरण का मतलब ही संप्रेषण होता है कि एक भाषा का खास करके जब जो आपकी जो है स्रोत भाषा है उसका लक्ष्य भाषा में परिवर्तन की जो क्रिया है उसको हम संप्रेषण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो खास करके संप्रेषण में या फिर खास करके अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें पहली बात ये ध्यान देनी होती किसी अनुवादक को कि भाव और विचारों की व्याख्या जो हो रही है उसका संतरण सही तरीके से लक्ष्य भाषा से मतलब कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में हुआ है सही तरीके से कि नहीं हुआ है। जैसे भाव और विचारों की व्याख्या, जैसे कोई चीज़ मूल कथ्य जो मतलब जो उसकी बात कही गई है उसके जो विचार हैं और उसके जो भाव हैं अगर उसकी व्याख्या हिंदी में करें तो भी वही आ रही है और अंग्रेजी में उसके अगर विचारों और खास करके भावों की व्याख्या की जाए भावार्थ या व्याख्या वही आ रही है तो फिर बात ठीक है, यानी कि तब अनुवादक सही है। अगर इसमें दिक्कत आ रही तो फिर दिक्कत है। तो भावों और विचारों की व्याख्या का संतरण यानी कि जो विचार स्रोत भाषा में है वही सेम विचार लक्ष्य भाषा में भी होने चाहिए, यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है जो विचार इसमें दिया गया है जो भावात्मक चीज़ें इसमें हैं वही विचार वही भावात्मक चीज़ें उस भाषा में यानी जिसमें हमको अनुवाद करना है उसमें होनी चाहिए तो एक सफल अनुवाद हो गया मान लेते हैं। तो एक ये होता है चीज़, एक ये प्रमुख तत्व है किसका जो है अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना निर्धारित करने में उसके स्वरूप को बताने में
सबसे पहली बात भाव और विचारों की व्याख्या का संतरण यानी कि परम आवश्यक। संतरण माने इससे उसमें जाना, ठीक है, तो संतरण। दूसरी बात मूल तथ्य का संतरण। मूल तथ्य का संतरण का मतलब क्या था? मूल तथ्य, मूल माने होता है जड़, मूल माने होता है वास्तविक रियलिटी, यानी जो मूल चीजें हैं, जो आधार चीजें हैं, उस आधार का भी संतरण होना परम आवश्यक है। अच्छा, चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि लिखा है, क्या लिखा है, जैसे मान लेते हैं मूल तथ्य का संतरण, जो मूल चीजें उसमें बताई गई हैं उसका संतरण होना चाहिए। जैसे कि अगर मान ली जाए, बताया जाए किसी व्यक्ति को कि ही फेल इन लव विथ स्वाति। अब इसको अगर परिवर्तित करेंगे हम, इसका अनुवाद करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका अनुवाद क्या निकलेगा भाई, कि वह जो है स्वाति के साथ प्यार में गिरा। क्या ये सही है अनुवाद? गलत है। वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा, प्यार कोई गड्ढा वड्ढा है क्या जो गिर जाएगा? बताएं, प्यार कोई खाई है, तालाब है, कुआं है क्या कि वो गिर जाएगा? लेकिन क्या है? फेल है। फेल माने क्या होता है? गिरना। क्या मैंने बताया? मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई वो ना रहे कि भाई सर जी ने बताया नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि मूल तथ्य का संतरण किस प्रकार से होता है, इसको समझेंगे। यहाँ पर ही फेल इन लव विथ स्वाति, जैसे मैंने लिखा ही फेल, फिर क्या मैंने बताया था, ही फेल इन लव विथ स्वाति, इन लव विथ स्वाति, यहां पर यह लैसे कर दीजिए। तो ही फेल इन लव विथ स्वाति, क्या अगर इसका हम अनुवाद में से डायरेक्ट अगर कर दें, जो मूल तथ्य है उसका संतरण होगा। अच्छा, मूल तथ्य ये है कि भाई ही फेल, अगर इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो अर्थ उसका निकलेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको हिंदी में बदले, ही माने होता है वह, फेल माने होता है गिरना, इन माने होता है मैं, लव माने होता है प्रेम या प्यार, और विथ माने होता है साथ, और स्वाति माने तो स्वाति एक वो चीज, ही माने वह, तो वह और किसके साथ, वह स्वाति के साथ किसमें गिरा, इन लव प्यार में गिरा, वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा, वह इसके साथ विथ स्वाति, वह स्वाति के साथ कहाँ गिरा, फेल माने गिर गया, कहाँ पर, इन में लव किसमें, प्यार में। क्या ये सही है? गलत है, और यही नहीं होना चाहिए। इसीलिए मूल तथ्य का संतरण होना जरूरी है। मूल तथ्य का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई जो विचार, जो एक प्रकार से वो वहां पर निकल रहा है, अंग्रेजी में इसका मतलब ये निकल रहा है कि वह स्वाति से प्यार करने लगा, कि जो है वह जो है किसी लड़की से प्यार करने लगा, किसी लड़के से प्यार करने लगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर इसका हम अनुवाद ही करेंगे तो वह ही माने वह होता है, फेल माने गिरना होता है, तो क्या कोई गड्ढा वड्ढा है प्यार, मैंने आपको बताया कि उसमें गिरेगा कोई व्यक्ति, नहीं गिरेगा। तो उसका भाव क्या है? उसका भाव है पढ़ना, प्यार में पढ़ना, या प्यार करने लगना, प्यार करना। समझ रहे हैं? तो इसका क्या निकलेगा कि वह स्वाति से प्यार करने लगा, ना कि स्वाति के साथ प्यार में गिरा। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा अनुवाद में, तो अनुवाद की यही शैली होती है कि क्या लिखेंगे, वह स्वाति से प्यार करने लगा। यहां पर मैं दो चीजें लिख दूं, या देखें, एक तो ये कि वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा, ये क्या है? गलत है, ये सरासर गलत है। और इसका जो एक प्रकार से अगर वो देखा जाए, और इसका क्या निकलेगा, सही अर्थ क्या निकलेगा भाई, कि क्या निकलेगा सही अर्थ, कि वह स्वाति से प्यार करने लगा, ये सही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। तो अनुवादक, एक अच्छे अनुवादक की पहचान ये है
तो गूगल ट्रांसलेटर ऐसा नहीं कर पाएगा, वो यही लिख देगा कि वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा। अगर आप ट्रांसलेटर की मदद लेंगे, मशीनी अनुवाद अगर देखेंगे, इसीलिए आगे के चैप्टर्स में आपको मशीनी अनुवाद और साहित्यिक अनुवाद या व्यक्तियों के अनुवाद में आपको अंतर दिखेगा और इसी अंतर को भी हम समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए बड़ा मजगर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, विश्वास मानिए कि आप ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे और आपको इसी तरीके से मैं समझा दूंगा। बस आपका प्रेम और आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अपना साथ हमें हमेशा देते रहिएगा। मैं आपका साथ परीक्षा के अंत समय तक दूंगा, आखिरी रात तक अंतिम संग्राम आपके साथ मैं करूँगा, परीक्षा के साथ आपके करूँगा, सॉरी आपके साथ क्यों करूँगा संग्राम। तो ये चीज ठीक है। तो मूल कथ्य का संतरण ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई बातें। यही है मूल कथ्य का संतरण। तीसरी बात है मूल पाठ्य सामग्री का संतरण, यानी जो सामग्री उसमें है स्रोत भाषा में, वही सामग्री किस भाषा में आनी चाहिए, लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। कौन सी चीज? मूल पाठ सामग्री का संतरण, मूल पाठ सामग्री का संतरण, जो मूल पाठ सामग्री है, जो एक प्रकार से चीज़ें हैं, उन चीज़ों का एक प्रकार से परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, मतलब उन चीज़ों का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो मूल पाठ सामग्री है वही सामग्री उसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्थ का संतरण, अर्थ का संतरण भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। अर्थ का संतरण क्या है? जैसे किसी चीज़ का मतलब लिखा हुआ है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन ना आए, यानी जो अर्थ स्रोत भाषा में निकल रहा हो उस किसी वाक्य का, वही उसी वाक्य का दूसरे भाषा में, यानी कि जो आपकी लक्ष्य भाषा है उसमें भी वही अर्थ उस शब्द का निकले, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो खास करके जो अर्थ स्रोत भाषा में है वही अर्थ लक्ष्य भाषा में हो, ये भी परम आवश्यक है एक अच्छे अनुवादक को, तो इसका भी संतरण होना परम आवश्यक है, यानी अर्थ भी वही रहे। इसके अलावा शैली का संतरण, शैली भी वही लगभग अगर होगी तो अच्छा रहेगा, जैसे विवरणात्मक शैली है या विचारात्मक शैली है या जो भी शैली है उसी शैली में अगर होगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से लोग उसको समझ पाएंगे और कह पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब भी आप अनुवाद करें या किसी अच्छे अनुवादक की यही पहचान होती है कि वह अर्थ का भी संतरण करे, मूल कथ्य सामग्री का भी संतरण करे, मूल कथ्य का भी संतरण हो और खास करके भावनाओं का, विचारों का और जो चीज़ें हैं उसका जो अर्थ निकल रहा है, शैली निकल रही है, उन सभी का संतरण होना परम आवश्यक है। तो ये भी एक प्रकार शैली का संतरण, यह भी एक सार्थक स्वरूप की संरचना के प्रमुख तत्व में हम शामिल करते हैं। इसके बाद में समतुल्यता भी होनी चाहिए। अच्छा, समतुल्यता की बात की जाए तो समतुल्यता बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। समतुल्यता का मतलब क्या होता है? अगर तुलना की जाए, कभी मान लेते हैं ये अनुवाद मैंने किया, स्रोत भाषा ये है और लक्ष्य भाषा ये है और दोनों की मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया तो दोनों का अर्थ और दोनों की शैली, दोनों की चीज़ें सब सेम होनी चाहिए, तो समतुल्यता होनी चाहिए। लेकिन किसी एक भाषा के अनुवाद को किसी दूसरी भाषा में समतुल्यता के अगर मापदंडों के हिसाब से देखा जाए कि पूर्ण रूप से खरी उतरे, दैट इज इम्पॉसिबल, खरी नहीं उतर सकती है, इसीलिए निकटतम समतुल्यता की बात विद्वान लोग करते हैं। निकटतम समतुल्यता परम आवश्यक होती है। निकटतम समतुल्यता की अगर बात की जाए तो निकटतम समतुल्यता की बात होती है इसमें, जैसे कैडफोर्ड जो कि खास करके बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो निकटतम समतुल्यता की बात करते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे, तो कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन क्या होता है? अनुवाद होता है। तो कुल मिलाकर के निकटतम समतुल्यता की बात जेफी जिस एक प्रकार से जो कैफोर्ड है वो करते हैं, ठीक है। तो समतुल्यता का मतलब ये होता है कि तुलना जो अगर करें तो दोनों के तुलनात्मक जो मापदंड है उन मापदंडों पर दोनों भाषाओं में वही चीज़ निकले, तो वो भी एक प्रकार से निकटतम समतुल्यता ज़्यादा बेटर है, विद्वानों ने इस बात को कहा, लेकिन समतुल्यता परम आवश्यक है। इसके बाद में समन्वित और समतुल्य संतरण। समन्वित मतलब क्या होता है? जो विचार, जो भाव, जो चीज़ें, समन्वित मतलब सभी को समाहित करते हुए, यानी जो चीज़ें उसमें कोई चीज़ छूटे ना, सब चीज़ को समाहित कर ले, ठीक है, होल इंटायर सब चीज़ को क्या कर ले, समाहित कर ले अपने आप में,
तो वो चीज़ होती है आपकी समन्वित और समतुल्य संतरण। ठीक है, समतुल्यता तो मैंने आपको बता ही दिया, निकटतम समतुल्यता, इसके अलावा समन्वित संतरण। समन्वित मतलब सभी चीज़ को समाहित करते हो, यानी जो भी मापदंड हो अनुवाद के उन सभी चीज़ों को समाहित होना चाहिए। अनुवाद के मापदंड कहना उचित ना होगा, लेकिन फिर भी समन्वित का सीधा सा मतलब होता है सभी को समाहित करते हुए आगे बढ़ना। सभी चीज़ों, चाहे विचारों की बात की जाए, भावों की बात की जाए, इमोशंस की बात की जाए, या फिर अर्थ की बात की जाए, भाषा की मतलब शैली की बात की जाए, या फिर अन्य कथ्य की बात की जाए, मूल कथ्य की बात की जाए, या मूल पाठ सामग्री की बात की जाए, तो सभी में परिवर्तन एक प्रकार से नहीं होना चाहिए, तभी अनुवाद और अनुवादक की एक प्रकार से लोकप्रियता बढ़ती है। अगला जो आपका है खास करके अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना के प्रमुख तत्वों में, वो है संस्कृति का संतरण। संस्कृति का संतरण भी होना, चूँकि संस्कृतियों की बात की जाए, संस्कृति क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। जैसे संस्कृति में क्या आता है, आपका रीति रिवाज आता है, आपका खान पान, पहनावा ओढ़ावा और भी चीज़ें आती, तो संस्कृतियाँ क्या होती हैं, आगे बढ़ती, संस्कृतियों के द्वारा लोग अपने बारे में जान पाते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। संस्कृतियाँ हस्तांतरित होती है, आपके पिताजी के द्वारा कुछ चीज़ें आपको बताई गई, आपके पिताजी ने जो किया आज उसके कुछ अंश को आप कर रहे हैं, फिर आपके पोते और आपके बच्चे भी वही करेंगे, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पर संस्कृति जो होती है उसके लिए उसका भी एक प्रकार चीज़ें होने, यानी कि जैसे रहन सहन उसमें बताया गया था वो दूसरी भाषा में, वही आगे चल करके इस भाषा में भी आपको पता चले, ताकि उसमें अगर छेड़छाड़ हो गई तो फिर संस्कृति क्या हो जाएगी, लुप्त होने को हो जाएगी। ठीक है, तो अनुवाद करते समय अनुवादक को यह ध्यान देना चाहिए कि भाई संस्कृति उस विशेष संदर्भ में कैसी थी, और अगर उस ऐसे की मानते भारतीय भाषाओं का अनुवाद करना तो भारतीय संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, तभी चीज़ों को जान पाएंगे। अगर मूल पाठ सामग्री के संतरण की बात की, तो जब तक मूल पाठ सामग्री को अच्छे तरीके से कंठस्थ नहीं करेगा व्यक्ति, उसके अर्थ को उसके विचारों को नहीं समझेगा, तब तक दूसरी भाषा में दूसरे एक प्रकार से या जो है लक्ष्य भाषा में उसको कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तो उसको करने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ों को, संस्कृति को, वहाँ की शैली को और वहाँ की भाषा तो उसको जाननी चाहिए, इसके अलावा उसके अर्थ को भी अपने आप में ग्रहण करके आत्मसात करके फिर उसके बाद में किसी दूसरी भाषा में दो लोगों को बताना या लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो ये थे संरचना के प्रमुख तत्व या अनुवाद के सार्थक स्वरूप। तो ये अनुवाद के स्वरूप है, ये इतने 8 पॉइंट्स मैंने बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और सभी को मैंने लगभग आपको समझा भी दिया। अब अनुवाद के महत्व की बात करते हैं हम। तो अनुवाद के महत्व की अगर बात की जाए, तो अनुवाद का महत्व आज हर एक क्षेत्र में है। पहले अनुवाद का महत्व क्या होता था, पहले जब अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी तो आपको पता होगा साहित्य में ऐसे जो भाषा हिंदी में लिखा गया वो केवल हिंदी भाषा के लोग जान पाते थे, जो अंग्रेजी में लिखा गया वो अंग्रेजी वाले, जो तमिल में, तेलुगू में, कन्नड़ में, मलयालम में, ठीक है, या गुजराती, मराठी, उड़िया, ठीक है, इन सभी में लिखा गया, बांग्ला में या फिर अन्य भाषाओं में लिखा गया, फ्रेंच और इटालियन या फिर अन्य भाषाओं में, तो वो सब वहीं के लोग पढ़ पाते थे। आज क्या है, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का अनुवाद में एक प्रकार साहित्य में बहुत ज़्यादा महत्व है। अनुवाद का साहित्य में कैसा महत्व, भाई साहित्य में इस प्रकार से महत्व है कि साहित्य में आज आप देख रहे हैं कि लगातार, जैसे अब मैं बताऊँ कि एमए में मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ, तो उसमें कई भाषा दक्षिण भाषा के भी, जैसे कि आपको बता दूँ संस्कार उपन्यास शामिल है, वो दक्षिण भाषा का उपन्यास लिखा गया है, तो उसका अनुवाद किया गया हिंदी में और वो हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, जबकि वो कन्नड़ साहित्य का है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं चेम्मीन मलयालम भाषा का उपन्यास है, चेम्मीन उपन्यास, जिसको हिंदी में चेम्मीन का मतलब होता है झींगा मछली, लेकिन उसको मछुआरे उपन्यास से हिंदी में अनुवादित किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे जो सभी भारतीय मतलब जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के साहित्य को किसी एक भाषा में समाहित करके उनकी विचारों को, उनके कथ्य को अनुवाद करके समझा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए साहित्य में अनुवाद का बहुत अच्छा योगदान है, अनुवाद का महत्व साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो साहित्य में अनुवाद का बहुत महत्व है, ताकि एक साहित्य दूसरे साहित्य के जो विचार होते हैं, जो एक प्रकार से जो क्रांतियां होती, जो चीज़ें या एक प्रकार से वैचारिक जो चीज़ें होती हैं, उसके दृष्टिकोण से साहित्य में अनुवाद का बहुत महत्व है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आजकल तो अनुवाद का बड़ा महत्व ही बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी आजकल लोग साथ ही पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो अनुवाद उसमें पूछा भी जाता है। ठीक है, और आप देखते हैं कक्षा 8 तक संस्कृत और हिंदी आपको साथ ही में पढ़ना पड़ता था, मतलब एक प्रकार से अनिवार्य संस्कृत, उसमें भी अनुवाद के बारे में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपको शुरुआत से ही ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ते भी होंगे,
तो शिक्षा के क्षेत्र में आज बड़ा योगदान है। और आज जैसे मान लेते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र में कोई विद्वान अच्छा नहीं है, तो आप अंग्रेजी भाषा के विद्वान को पढ़ सकते हैं, आप कन्नड़ साहित्य को पढ़ सकते हैं, आप तेलुगु को पढ़ सकते हैं, या आप दुनिया की समस्त भाषाओं के जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं अनुवाद करके। गूगल ट्रांसलेटर भी आ गया है, हालांकि वो उतना ज़्यादा हो सकता है भावात्मक लिपि अंतरण ना कर पाए, लेकिन एक प्रकार से वो मूल तथ्य को परिवर्तित जरूर कर देता है सेम उसी दूसरी भाषा में। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व है आज अनुवाद का। व्यापार के क्षेत्र में अनुवाद बहुत बढ़ा है, क्योंकि व्यापार आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, व्यापार का कोई सीमित दायरा थोड़ी ना कि भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में करना, तो भाषा का अंतर भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर अनुवादक की अनुवाद का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि भाई अगर हमको अपना माल बेचना, तो हम अगर उसकी भाषा में बोलेंगे, वहाँ की भाषा में बोलेंगे, तो हमारा माल ज़्यादा बिकेगा। तो कहीं ना कहीं पे व्यापार में आज महत्व मतलब अनुवाद का बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा वाणिज्य में, वाणिज्य का मतलब भी वही होता है व्यापार उद्योग यही सब, तो उसमें भी लगातार आप देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार से चीज़ें आप देखते हैं प्रचार प्रसार टेलीविज़न के माध्यम से जो आते हैं, वो भोजपुरी वाले दर्शकों के लिए भोजपुरी में प्रचार आता है, हिंदी वाले दर्शकों के लिए हिंदी में आता है, और इसके अलावा जो अन्य भाषा के अंग्रेजी वाले अंग्रेजी के लिए आता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कितना ज़्यादा अनुवाद का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा संस्कृति में, संस्कृतियाँ जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, और इस कारण से मान लेते हैं कि संस्कृत के दादा परदादा संस्कृत बोलते थे, फिर हुआ अभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर इस प्रकार से बाद में हिंदी आई ना, तो आज तक संस्कृतियाँ तो वही हैं, वही सनातन धर्म है, वही चीज़ें हैं, वही वैदिक धर्म। तो कहीं ना कहीं पे वो धर्म की जो चीज़ें थी जो पहले हुआ करती थी, आज भी तो वही चीज़ें, वही वर्णाश्रम है, ब्राह्मण वो सिमुखामासी बाहुराज जान्या करता वैश्या पादाभ्याम सूत्र हो जाता, वही चीज़ें हैं आज, वही एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक है, और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वही आश्रम है, वही चीज़ें, वही वेद है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें आज हम समझ पा रहे हैं, क्यों, चूँकि संस्कृति का हस्तांतरण हुआ, वही रहन सहन, वही रीति रिवाज, धोती कुर्ता गौछा चंदन तिलक, तो ये सब क्या है, ये सब संस्कृति का ही हस्तांतरण तो है, और ये कैसा संभव है, अनुवाद के द्वारा संभव, चूँकि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बहुत हुआ है। इसके अलावा अनुवाद की बात की जाए, उद्योगों में बहुत एक प्रकार से उद्योगों में लगातार अनुवाद का एक प्रकार से महत्व बढ़ता जा रहा है, और संचार के साधनों में के अकॉर्डिंग अनुवाद तो उद्योगों में और ज़्यादा हावी हो गया है, तो अनुवाद का इसमें भी बहुत महत्व है। इसके अलावा खास करके प्रिंट मीडिया में कोई छपाई उकाई करनी है, फिर कुछ भी करना, तो प्रिंट मीडिया में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है अनुवाद। दूरदर्शन में, टीवी वगैरह में आप देखते हैं अनुवाद, जैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दूरदर्शन पे भी आप देखते हैं, हिंदी भाषी वालों के लिए हिंदी में दिखाता है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में, या देखते हैं कन्वर्टर भी पहले बैठते थे, एक हिंदी में बताता था दूसरा अंग्रेजी में, टीवी वगैरह पर देखते हैं, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति अगर बोलता है अंग्रेजी में तो उसको हिंदी में बोल करके कोई दूसरा व्यक्ति होता है वो बताता रहता है, या हिंदी में एक प्रकार से आप देखते हैं वो लिख करके आता है अलग सब टाइटल जिसको आप बोलते हैं, तो अब तो यूट्यूब पर भी सब टाइटल वगैरह आपको मिलने लगा है एक प्रकार से, कहीं ना कहीं पर दिया जाता है, हालांकि मैं उसको जानता नहीं यूज करना, इसीलिए नहीं आता, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ नीचे नीचे से लिख करके आता। अंग्रेजी वालों के लिए भी अगर करते तो अंग्रेजी में कर देते, हिंदी में बोलो तो अंग्रेजी में कर सकते हो सब टाइटल, या हिंदी में भी कर सकते हो, कई चीज़ें हैं। तो दूरदर्शन ये हो गया आपका, रेडियो हो गया, रेडियो पर भी आप देखते संस्कृत में अनुवाद आता था, मतलब संस्कृत में पहले आता था, हिंदी में भी आता, तो कहीं ना कहीं रेडियो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में आप पता लग रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा भी अनुवाद हो रहे हैं, लगातार कंप्यूटर के द्वारा अनुवाद की श्रेणी में आप देख ही रहे होंगे कि आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर है कि भाई आप फोटो खींच लो अगर हिंदी पेज का और उसको अंग्रेजी में परिवर्तित करना चाहो तो अंग्रेजी में बदल गया, अंग्रेजी का फोटो खींचो हिंदी में बदल गया, ठीक है, तो सारे शब्द का अंग्रेजी में मतलब, अभी इस बोर्ड की फ़ोटो खींचो आप और इसको उसमें गूगल ट्रांसलेटर ऐप की मदद से आप चाहो तो उसको अंग्रेजी में कर सकते पूरे बोर्ड की चीज़ों को जो लिखी है। इसके अलावा दूरभाष, दूरभाष में भी आप देखते बहुत ज़्यादा चीज़ें होती, दूरभाष मतलब कि आप फ़ोन से, मैं एक बात बताऊँ, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आ रहा था, सिल्वर प्ले बटन जब मेरा आ रहा था तो मैं फ़ोन मिलाया, चूँकि लेट हो गया, पानी वानी बरस रहा था तो इसके कारण से लेट हो गया 2-3 दिन, ठीक है, तो मैंने फ़ोन किया था एक प्रकार से, हेल्पलाइन नंबर उसने दी रही थी तो वहीं पर, तो अंग्रेजी में पहले उसने बोला, तो बहुत बातें बताई उसने मुझे को, खूब ज़्यादा समझाया वगैरह, तो फिर मेरे पल्ले भी कुछ ना पड़ा, तो मैंने कहा कि भाई प्लीज़ टॉक इन हिंदी, क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं, तो बोला या, तो वो बोल रहा था अंग्रेजी में ही, लेकिन पता नहीं कौन सी मशीन फिट कर दिया था कि भाई वो बोल तो अंग्रेजी में रहा था लेकिन मेरे को हिंदी में सुनाई दे रहा था, तो इतनी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप है, तो ये सब दूरभाष ही है एक प्रकार से,
उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट के माध्यम से आप देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में एक प्रकार से अनुवाद होना प्रारंभ होगा। एक ब्रॉड स्तर पर ज्ञान का विस्तार हो रहा है अनुवाद के द्वारा। तो अनुवाद ना केवल संस्कृतियों को जोड़ता है बल्कि वैश्विकता या वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्वीकरण में अनुवाद उद्योगीकरण में, नगरीकरण में, शहरीकरण में या फिर अन्य जो एक प्रकार से विश्व स्तर की चीज़ें हैं उनमें अनुवाद की आज भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार ऐसे बढ़ती रहेगी। अनुवाद ना केवल एक संस्कृति को जोड़ता है बल्कि धर्म को भी जोड़ता है और संस्कृतियों के साथ ही साथ रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, सभ्यता, तमाम प्रकार के पहलुओं को आपस में जोड़ने का, आपस में मिलाने का, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में कुछ लाने का, कुछ देने का, तमाम प्रकार के स्तरों पर उन मापदंडों के आधार पर खरा उतरता है अनुवाद। अनुवाद एक प्रकार से आज कहीं ना कहीं पर मेल कराता है। अनुवाद के द्वारा पहले हिंदी में आप किसी को गरियाओ तो अंग्रेजी वाला जान ही नहीं पता था कि भाई क्या गरिया रहा है, और आजकल जो कहूँ हिंदी वाले गरियाओ तो अब तुरंत पता चल जाएगा कि भाई क्या गाली दे रहा है वो। तो ये चीज़ें होती है। फिर तो कहीं ना कहीं पहले मजा ले लेते थे लोग, आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्या है, अनुवाद का जमाना है। इसके अलावा समाचार में आप देखते हैं लगातार अनुवाद के बारे में, संचार सुविधाओं में, फ़ोन वगैरह पे तो अनुवाद हर चीज़ों में हो जा रहा है आजकल। तो समाचार में आप देख रहे हैं कि हिंदी में, अंग्रेजी में कई प्रकार के अनुवाद, यहाँ तक कि मैं बताऊँ अनुवाद का यहाँ तक वो बढ़ गया है कि भाई YouTube भी एक नोटिफिकेशन एक बार जारी किया था कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इस समय सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ हिंदी में बोल करके, तो वो अंग्रेजी में आपको सुनाई देगा। अगर आप चाहेंगे तो अंग्रेजी में सुन सकते हैं उसी को, आप चाहें तो फ्रेंच में सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को, आप चाहें तो उसको एक प्रकार से संस्कृत में शायद अभी तक नहीं व्यवस्था कर पाए हैं, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में जो सरल भाषा है उनमें हो सकता है। अंग्रेजी हिंदी का तो लगभग हो ही जाता है और फ्रेंच, इटालियन और भी अन्य भाषाओं में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है अनुवाद। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें तो संचार के साधनों में, तो इस प्रकार से ये अनुवाद के बारे में जो पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया, लगभग आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है अनुवाद। अब आपसे अनुवाद के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हमने अनुवाद के अर्थ को, स्वरूप को और महत्व को समझा, विस्तार से जाना कि क्या होता है अनुवाद। निश्चित तौर पर अब आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।